इनकी जेब चेक कर लो भैया। हमने अकेले सोचा हम सबसे एंड में जाएंगे। यार इसने काफी ज्यादा मेहनत करी है इन ब्लॉग्स के लिए। अब हम रुके हैं 5-स्टार ढाबे पे, आपको दिखाते हैं। राइट सो हे गाइस, वेलकम टू जिल व्लॉग्स। हे गाइस, आई होप आप सब अच्छे हो गए। गाइस तो आज है हम नैनीताल में, आज है हमारा तीसरा दिन, तीसरा क्या, आज है हमारा लास्ट दिन और आज हम जाने वाले हैं अपने घर, क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यार। और आज ना हमारी टिकट अभी होनी है, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए तो हमने टिकट करना, क्योंकि घूमने के बहाने मतलब घूमने के चक्कर में हम टिकट कराना भूल ही गए। तो अभी हम जल्दी से आएंगे काठगोदाम और वहाँ से हम टिकट करवानी है हमें। तो पहले अभी तो हम यहीं पर हैं क्योंकि बारिश हो रही है, अभी सब बारिश हो रखी है सब्जी का। तो अभी हम चलेंगे, पहले कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे और आपको दिखाते हैं सब क्या कर रहे हैं। ये देखो सब पैकिंग वैकिंग हो चुकी है। ये अर्श का बैग है, जसीम भाई है मेरे, ये हमारा बैग है और जिन नवाब का बैग है। गाइस नवाब देखिए कौन सा बैग लाया था, अपनी दादी का, नानी का बैग लाया था अपने, दादी का। अरे यार तो क्या हुआ बता ही तो रहे हैं, क्योंकि मेरे फैमिली से अपनी बता रहे हैं हम, कोई उसमें दिक्कत है, बेइज्जती उसमें क्या होगी। तो रेडी हो गए सब और अब हम जा रहे हैं बाहर नाश्ता करना। सॉरी पुदीन तो रख लिया होगा भी, इनकी जेब चेक कर लो भैया। टॉवेल अवेल रख ली होगी इन्होंने, कर भी लेते हैं ऐसा काम। ये देखिए एक बार, एक बार ये मेरे साथ हरिद्वार गया था, हरिद्वार गया था, वहां से भगवान के 10 रुपए भी नहीं छोड़े। अभी तो हम सामान नीचे रखे, गाइस बने रहिए, अभी तो थोड़ी सी मस्ती हो रहा है, उसके बाद रोना धोना होगा, हम चले जाएंगे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे चाय पीने। ओए भैया एक चाय कितने की है? 15 रुपए की है। ठीक है कुल्लर में ले रहे हैं ना इसलिए, वरना अगर कुल्लर में लेंगे तो हमारे 5+ हो जाएंगे, मतलब टोटल 20। गाइस तो हम चाय वाय पी के अब यहाँ पे आ चुके थे जहाँ पे हम डेली आते हैं, और हमने ना अपने जो बैग वैग थे सब हमने लगाए, जो हमने वहीं पे मतलब होटल के ऑफिस में रख दिया। वो भाई साहब मतलब आधी तो नदी रख गई इसमें। ओ भाई साहब यार, हम मतलब जब से आए तब से हमने इतनी बार यहाँ पे आ चुके हैं, इतना अच्छा फील होता है ना यहाँ पे, क्या बताएं, बहुत अच्छा फील होता है। ये देखो गाइस मछलियाँ, कैच करने वाला ब्रो, मैंने तेरे को कैच कर लिया। तो देख रहा मतलब आधी पूरी झील है वो, मतलब आधी ढक गई। वो तो मेरे पे बारिश हो रही है यार, यही नहीं अच्छा लगता मेरे को। नवाब भाई मेरे परेशान हो रहे हैं, क्या हो गया तेरे को, क्या हो रहे हैं? सामान भी सारा है होटल के अंदर रखे है और अब बारिश भी आ गई है, अब हम हो चुके हैं बेघर। भाई कहाँ चले यार, अभी बारिश हो, बताओ यार। अब हम चलते हैं, वो देख रहे हो उसके अंदर ढुबक्की मारने, खिला दे भाई यार, सब कह रहे हैं। गाइस तो बंदे के वरना कल आए हैं, रुक जाओ 100% कैंसिल बता दूँ। अरे यार कोई नहीं, फैमिली से फिर और चीज़ें भी छुपाता बता दूँ, बात तो सही है। गाइस तो बहुत देर बाद हमारे अर्श भाई हमें कुछ खिलाने जा रहे हैं यहाँ से। भाई लोग बन को तो बताएं खिलाया नहीं खिलाया, कैमरा ऑफ पे भाई कुछ भी बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम यहाँ पे मतलब फिर से आया था ऐसे कुछ शॉपिंग वॉपिंग की छोटी सी अकेले बच्चों के लिए, और अब हमने यार कुछ खाने। गाइस तो हमने मंगवाए थे पराठे और ये क्या बोलते हैं भाजी, पराठे और भाजी आए हमारे लिए, और टेस्ट कैसा भाई? भाई मेरा खाना नहीं पसंद कर रहे, इनको रेड बुल पसंद है बस, कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो सबने ऑर्डर किया भटूरे, भटूरे देखने में यार क्या बताएं, देखने में कैसे, तुम्हारा तुम रह लोगे, तुम छोटे से हो ना तुम रह लोगे। गाइस तो मुझे सबसे बेस्ट चीज यहाँ की क्या लगी, मतलब ये देखो आप, ये चर्च है यहाँ पे और उसके जस्ट बगल में मस्जिद है, उसके यहाँ पे है गुरुद्वारा, उसके जस्ट बगल में मंदिर है। सबसे गाइस सबसे बेस्ट चीज लगी मुझे ना यहाँ पे, मतलब बताऊँ हमारे साथ में कुछ लड़कियां भी आई हैं, गाइस दिखाओ भाई, ऐसे शॉपिंग करते हैं ना ये लोग, मतलब कुछ भी होता तुरंत रुक जाते हैं, कम से कम लगाते हैं एक शॉप पर ना कम से कम आधा घंटा छोड़ देते हैं उसको।
कि हाँ देखते हैं कि उठा उठा के क्या कैसा है। लड़कियों की तरह शॉपिंग, ये भी तो ऐसे इनके भी शक्ल दिखाओ। अरे 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 मैंने कुछ भी नहीं खरीदा ब्रो। भाई बैठ चुका हूं, धोती है बैठ चुका हूं, कुछ नहीं लिया ब्रो। अरे यार अब क्या, चल ठीक है रहने दे। सेट के सबसे ज्यादा तूने और इसने शॉपिंग की है भाई, की है मगर मैं जाता हूं ना उठा के तुरंत। हां चलो, एक सामान लिया था वो भी ऐसे करके ऐसे लेके चला। ये देखा है, ये खड़ा हुआ था वहां पे भाई। सही है सही है, ये ले रहा। तो हम यहाँ पे आए थे, मतलब बैठे ही रहते हैं दिन भर यहाँ पे हर जगह से आके, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा है, क्योंकि हमें आज जाना है घर। यहाँ का ना मतलब यहाँ का एरिया और ये जगह मेरे को काफी पसंद आ गई है, बिकॉज़ बहुत पसंद है। तो हम फिर से जा रहे हैं वेडिंग करने, क्योंकि यहाँ बहुत लोग फ्रेंडली, यार काफी ज्यादा फ्रेंडली लोग यार। ऐसे लोगों को देखने के बाद हमें कोई अच्छा फील हो रहा है कि हाँ यार सब अपने कपल के साथ आ रहे हैं, बट हम अपने फ्रेंड के साथ आते हैं तो और अच्छा लगता है। खुशी तो फिर से जा रहे हैं इसमें, और ये सब बैठ चुके हैं इसमें। मैं भी आ रहा हूँ तो ना भाई। हाँ हाँ पता है मेरे को, मैं बता रही क्यों नहीं आ रहा, मैं तेरे को भी बताऊंगा। ठीक है माता, जा रहे बाय। सब कितना वहाँ पे फेस ऐसा है बहुत सारी। और ये क्या है, ये मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट है गाइस। मेरे को उधर चलो ना, उधर चलते हैं। चलो भाई गाइस, यहाँ पे ये होता है कि मतलब जब भी इन्होंने बोट लिए तो बंदे आके यहाँ पे बीच में आके रोक लेते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई मेरी वीडियो बना भाई, मेरी भाई मेरी भाई मेरी। गाइस एक फोन है और किसकी किसकी बनाऊं मैं, आप बताओ। मत बनाओ भाई, मत बनाओ। लो भाई लो, ये रहा अपना फोन, ये रहा। चलो भाई चला के दिखा, जरा चला के दिखा फोन, ये देखो। हां तो मेरे से बात बोलियो, ठीक है। हां चल ठीक है, हाँ ठीक है, बजाओ ना। सो गाइस हमने अभी ऐसा किया कि गुलफाम उस वाली नाव में चला गया, अभी यहाँ पर आ गए हैं जसीम भाई, हमारे प्यारे मित्र, हमारे प्यारे प्यारे भैया अर्श भैया एंड मैं, हम तीनों इस बोट में हो गए हैं। और वहाँ पर गुलफाम ये ऐसे ही चेंज कर रहे हैं बिना डरे, इन्होंने कुछ सेफ्टी वेफ्टी नहीं पहनी हुई। देखो ये देखो, ऐसे ही बैठे हैं मजे से, वहाँ पे रखी है सेफ्टी। वैसे मैंने भी नहीं पहनी हुई चला रहा है ना, मेरे को स्विमिंग आती है गाइस, इसलिए मैं नहीं। तो हमने और अखिल ने एक नई ले ली है, क्योंकि उसमें पांच बैठ नहीं पाते। तो हमने अखिल ने सोचा हम सबसे एंड में जाएंगे, और आप देख सकते हो पीछे कितनी दूर है वो सब। रुकिए भाई, वो वहाँ पे है, वो वहाँ पे, वो हम बहुत दूर हैं यार। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि आज हमारा लास्ट डे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ तक आएंगे, ये जो है दिख रहा है आपको, हम वहाँ पे आए और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, इसलिए हम आगे नहीं जा रहे। बाकी ये भी चला जा रहा भाई, भाई ये तो काफ़ी पीछे था, यहाँ तक आ गया, बट हम इसके पास भी जाएंगे। यहाँ मतलब पूरा सब दिख रहा है भाई। भाई, भाई मोड़ 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 मोड़। Oh my God, true love. यहाँ तक सोचे थे, हम यहाँ पे आ चुके हैं, टच भी कर चुके हैं। और वो सब बंदे ना सब ढीले डाले हैं, हम दोनों से अच्छे हैं। बस थोड़ा ही सा बचा था, बट हम यहीं से अपनी स्टीयरिंग को मोड़ते हुए फुल मजे लेते हैं, मतलब कि अब देखिए हम कहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ पहुँच के फिर आपसे बताते हैं हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो ये सब भी हमारे सामने आ चुके हैं। अब भाई साहब मोड़ो ना, मोड़ो ना। ओ भाई, भाई देख ना कहाँ, भाई पीछे जा रही है भाई। चल ना चल, रिटर्न कर, रिटर्न कर भाई, भाई चल। हाँ यार बारिश गाइस, पीछे आप देख सकते हो फॉग। ओ भाई सब बारिश भी आ रही है। अरे यार ये अचानक गाइस, यहाँ पर अचानक से तुरंत ही मौसम चेंज, तुरंत मतलब 10-20 मिनट में ऐसे ही हुआ करता है। फाइनली हम बहुत लंबे से यहाँ पे आ गए हैं शहर के बाद, काफ़ी मज़ा आया, तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया तो कल से बेटर रास्ते में हम आया, क्योंकि हमने इस बार ना हम काफी लंबे राइड किए गए थे कि हम घूमने जा रहे हैं, हम चिल करने गए थे अंदर थोड़ा सा, मजा आया आज भाई। ये प्रचार कर रहे हैं, मजा नहीं आ पाया आज, मजा आया मेरे को और आया था, मजा आया ना आज कि क्या बताया। बस एक बंदा जो था हमारा था वो चला, बस उसका मन कहीं और ही, वो बैठ गया भाई। हम सारे बंदे मतलब वहां से ऐसे निकले हुए थे यहाँ पे टॉयलेट में, और मतलब सीन बहुत गंदा हो गया, बारिश होने लगी हम सारे। पर भाई हम नाव में थे ना जब नहीं हुई बारिश, शुक्र करो भाई हम बच गए ना नाव में, तो पूरा भीग गया।
चल खाली गया। आज तुमने कर लिया। ठीक है भाई, तुम्हें मोटा है इसलिए आगे बैठो। आज तो हम जा रहे हैं भाई नैनीताल, बहुत मिस करेंगे हम। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ और दोस्तों के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो भाई हम आ चुके हैं काठगोदाम स्टेशन पे, मतलब ये यहाँ पे हमें ट्रेन या बस, पहले तो हम ट्रेन देखते हैं फिर बस मिलेगी तो। नवाब और जसीम भाई जाएंगे दिल्ली और हम जाएंगे लखनऊ, हम अकील और अर्श जाएंगे लखनऊ। चलते हैं पहले देखते हैं क्या हमें मिलता है। गाइस तो हम आ चुके हैं रोडवेज पे यहाँ पे, और हमें क्या हुआ कि हमारी ट्रेन की टिकट हुई नहीं ना जसीम भाई की मिली, तो अब हम जाएंगे बस से, बट अभी बस आए नहीं है। और इन्होंने टिकट बुक कर दी थी बट इनकी पता नहीं कैसे कैंसिल होगी टिकट, पता नहीं क्या सीन है। अभी बस आ रही है फिर हम जाएंगे घर। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, सब बातचीत कर रहे हैं आपस में, यहाँ सामान दे रहे हैं। स्वाद आ गए गाइस, हमें बस मिल गई है और अब हम इसी से जाएंगे, आधे घंटे बाद चलेंगे। और भाई हमारे सब ये सब भी जा रहे हैं तो मिलते हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, ये दिल्ली जा रहे हैं, मिलते हैं बाद में। ठीक है बहुत जल्द, तभी देख रहे हैं दुकान अच्छी होती है। अबे यार तो खुशी झलकाए बाहर। हाँ भैया ले ली। ये ट्रिप मेरे दिल में बस यहीं पे ख़त्म होती है और मेरे दिल के तो काफ़ी ज़्यादा करीब होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज बनाई हमने और लाइफ में बहुत अच्छी थी ये ना, मज़ा आया, मज़ा भी काफ़ी आया, कुछ परेशानियाँ भी आई लेकिन हमने धीरे धीरे ठीक करी सब, एडजस्ट किया हमने। भैया ने कुछ ज़्यादा एडजस्ट किया, बड़े हैं तो भाई बड़े का फर्ज होता है, होता है नहीं होता भैया हमारे इससे जाएंगे अगली बार से ऐसा ही होगा और कोई नहीं हमारी ट्रिप दिखेगी सर, मतलब बैठे हैं मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हमारा पहले ऊपर इसके चैनल को जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर भी कर देना गाइस, बहुत सारा प्यार। और इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इन व्लॉग्स के लिए, जो मैं देख रहा था मैं इसको जैसे इसने मेहनत किया तो मुझे दिल से लग गया, ऐसे मेहनत करता रहा और बहुत आगे जा, और इस बार मैं तेरे पास आऊँगा ना, कुछ बस मिलते हैं जल्दी। अब नेक्स्ट प्लान बनाओ फिर कहाँ चलते हैं आप, तो मिलते हैं आगे। ओके बाय बाय बाय, लव यू, बाय बाय, चलो 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 बढ़ाओ। गाइस तो फाइनली हमारी बस निकल चुकी है और हम जा रहे हैं घर। तो ये लास्ट सीन जो था वो लास्ट सीन है ये पहाड़ों का, उसके बाद अब आगे देखने को नहीं मिलेगा हमें। अब हम रुके हैं 5-star ढाबे पे, आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए गजब टूबी आ जाती है। 5-star ढाबा है ये और ये हमारी बस है, इसकी सीट हमें ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है। खाना तो पूछा है कितनी टेस्टी है यहाँ की, और रसगुल्ले बोल रहे हैं आप खा लो। ढाबा आपको नहीं दिखाता, ढाबा दिखा दे तो आप और खुश हो जाते, बोले इतना अच्छा ढाबा था क्या बताए। A few moments later, तो हम पहुंच चुके हैं लखनऊ कैसरबाग और अब ना हम यहाँ से आएंगे, बस लेंगे फिर जाएंगे बहराइच अपने वहाँ, क्योंकि ना वहाँ से आने में यहाँ तक इतना प्रॉब्लम नहीं होती बस, बट यहाँ से जाने में ना बहराइच तक बहुत प्रॉब्लम होती, लगता है कि बहुत बड़ा हम सफ़र कर रहे हैं, वहाँ से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अब अर्श भाई जाएंगे यहाँ से अपने घर, क्योंकि अर्श लखनऊ में रहता है। बाय, फिर नए कोई ट्रिप में मिलते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ऑटो ही करोगे, कौन तुम्हारे लिए प्लेन लेके आएगा। अच्छा तारा है कि दिन में 20 रुपए पड़ते, इतनी टाइम 80-100 रुपए ले गए, तो तुम्हें लूट खाएगा। अबे हाँ अभी तुम यहीं सो जाओ, देखो जैसे अंदर अभी सब सो, जैसे अभी अंदर सो रहे थे वैसे सो जाना।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। गाइस तो हम आ चुके हैं और यहाँ तो बारिश हो ही जा रही है। ये क्या है? वो ठंडे लग रही है यार। जब से आए हैं, मतलब रात से आए हैं, लखनऊ पहुंचे तब से बारिश हुई है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार। अब हम पहुंचे हैं अपने घर, ये है अपने बहराइच। इस अकेले हम भीग रहे हैं, दरवाजा कोई खोल नहीं रहा है, भीगे जा रहे हैं यार। सब भीगा जा रहा है गाइस, हमारा सामान। अस्सलाम वालेकुम। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।